हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कोरल का वर्जन का इशू आता है कई बार, क्योंकि आपको मान लीजिए कोई फाइल दे दिया 17 वर्जन में, 18 में या 20 में दे दिया, आपके पास अगर लोअर वर्जन कोरल रो है तो उसमें खुलती नहीं है, तो आपको या तो फिर ट्रायल वर्जन डाउनलोड करना पड़ता है या फिर किसी दूसरे से आपको फाइल दे के खुलवाना पड़ेगा कि फाइल उसको कन्वर्ट करके लोअर वर्जन में दे दो। कई बार ऐसा होता है केवल आप देखना चाहते हो फाइल कि क्या है उसके अंदर, कम से कम दिख तो जाए, हम उसको दोबारा बना लेंगे, तो दिखता भी नहीं है क्या है। तो इसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोरल हायर वर्जन नहीं है, हायर वर्जन की फाइल है, उसको लो वर्जन में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूँ, जैसे मान लीजिए ये लोगो है, तो इसको मैं पहले डेस्कटॉप एक सेव कर लेता हूँ, लोगो फ्री ग्राफिक, ठीक है। इसको मैंने अभी ये 17 वर्जन में है, देखिए 17 मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब हमारे पास मान लीजिए अगर 15 या 16 वर्जन है, आपके पास ये फाइल खुलेगी नहीं, तो आपको मैंने दे दिया, तो इसमें क्या होगा कि पहले आप गूगल में लिखिए CDR to PDF। आपने ऐसे सर्च करेंगे CDR को हायर वर्जन से लोअर वर्जन में कन्वर्ट करें तो नहीं मिला। मैंने काफ़ी सर्च किया कि नेट में ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाए कि CDR के वर्जन को लोअर कर दे, लेकिन एक चीज़ है कि CDR से PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। CDR to PDF लिखेंगे, कोई स्पेसिफिक साइट मैं नहीं बता रहा हूँ, कई सारी साइटें हैं, बहुत सारी साइटों पे हो जाएगा, कुछ नकली भी होगा। सबसे पहला जो आ रहा है उसी पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, jamjar.com करके है ये, तो इसी पे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। किसी पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, जैसे अब मैंने जैसे लोगो ये बनाया था अभी 17 वर्जन में, तो आपको प्रीव्यू भी नहीं दिख पाता ना CDR में क्या है, आपके पास लोअर वर्जन के तो दिखेगा ही नहीं। तो मैं इसको यहाँ से देखो PDF ऑटोमेटिक आ रहा है, इसको चेंज करके आप AI किसी वर्जन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, EPS में किसी में भी CDR फाइल को कन्वर्ट कर लोगे। अगर आप PDF में कर लोगे तो PDF से आप क्या करोगे कि लोअर वर्जन में आपका आ जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा लोअर में तो नहीं आएगा लेकिन कम से कम लोअर में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो SVG में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको, अभी मैं PDF करता हूँ, ठीक है, कन्वर्ट ना हो। छोटी सी फाइल मैंने इसलिए लिया है कि जल्दी से कन्वर्ट हो जाए, लंबी फाइल थोड़ा सा टाइम लेगा, 15-20 मिनट भी ले सकता है। देखो अप टू 2 GB तक आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये देखो कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ, तो ये डाउनलोड हो गया, तो ये देखो ये जो फाइल है PDF मेरे को यहाँ पे दिख गई क्या है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है, ये देखो बिल्कुल वेक्टर है। तो अब मैं इसको लोअर वर्जन में लेके जा सकता हूँ, 14-15 जो भी आपके पास वर्जन है। अब मैं इसको देखो SVG में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, दोबारा से आ जाता हूँ, बैक किया और यहाँ से PDF के अलावा पहले फाइल सेलेक्ट कर लो, दोबारा से लोगो और यहाँ से कर लो SVG। SVG क्या होता है, ये भी काफ़ी किसी भी सॉफ्टवेयर में खुल जाता है, EPS भी खुल जाता है। EPS देखो इसमें है, तो EPS में EPS भी कन्वर्ट कर सकते हो, AI भी कर सकते हो, बिटमैप भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन इसमें दे रखा है। तो SVG कर रहा हूँ कन्वर्ट, SVG तो कई बार ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका सलूशन आप नेट से निकाल सकते हो, किसी को आप भेजोगे, मेल करोगे, वो देगा नहीं देगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कई बार बोलते हैं कि नहीं, कुछ बहाना बना देते हैं, तो इसका सलूशन आपको यहाँ से ले सकते हो। अच्छा, ये बोला है कि एक दिन में 2 कन्वर्सन से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो हम दूसरी साइट पर करेंगे। आप ऐसी ऐसी दिक्कत आती है कई बार, वो बोलेगा पैसा मांगेगा, बोलेगा ईमेल ID मांगेगा, तो ऐसे भी आपको फेस करने पड़ेंगे, तो इससे फिर दूसरी साइट पे आप चले जाओ, एक साइट के अलावा, एक साइट पे एक देगा तो ऐसे कर सकते हो, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेलेक्ट फाइल लोगो, ठीक है, अब यहाँ से मैं SVG देखता हूँ है कि नहीं,
SVG, हाँ SVG इसके पास है। ठीक है, अब हो सकता है ये ईमेल आईडी मांग सकता है, इसके ऊपर है क्या मांग रहा है नहीं मांग रहा है। ये क्लाउड कन्वर्टर डॉट कॉम करके साइट है ये। तो यहाँ पे देखो ये कन्वर्ट हो रहा है, जल्दी हो जाना चाहिए, छोटी सी फाइल है ये। देखो यहीं पे दिखा भी दिया इसने प्रीव्यू, क्या इसे स्क्रीनशॉट लेके आप बना भी सकते हो। अगर छोटी फाइल के लिए है तो काफ़ी इजी है। ये देखो SVG फाइल यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको देखो लेके आता हूँ, न्यू फाइल लिया, यहाँ पे देखो पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब इसका लोअर वर्जन मेरे पास ज़्यादा लोअर तो नहीं है, एक दो वर्जन लोअर नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा लोअर है, 12 है। 12 में देखो आता है कि नहीं, देखो आ तो गया लेकिन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया जी का। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, ज़्यादा लोअर नहीं रहेगा तो कम ख़राब होगा। अब आपको PDF दिख जाएगा तो उसे आप ठीक कर सकते हो। ये देखो ये दिक्कत आई, जी खराब हो गया। तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या का समाधान आपका हो सकता है कि ये कन्वर्ट हो सकता है। और अब PDF जो है देखो, PDF ला के देखता हूँ आता है कि नहीं 12 में। ये देखो PDF आ गया लेकिन सही से नहीं आया। तो 12 में इसका PDF नहीं आएगा, क्योंकि PDF शायद ये हायर वर्जन के PDF है। अगर EPS होगा तो EPS आएगा कि नहीं ये आपके ऊपर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कभी ऐसी दिक्कत आती है तो ऐसा ट्राई करके देख लेना, क्योंकि इससे आपको टाइम बचेगा और ऑप्शन आपके पास एक और है कि आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं ये। इसको आप और भी कई चीज़ों पर यूज कर सकते हो, किसी भी फाइल कन्वर्ट करने के लिए, केवल CDR PDF नहीं। तो मैंने CDR का इसलिए बताया कि मेरे साइड फ्री ग्राफिक इन जो है, यहाँ पे कई सारी जो फाइलें हैं 12 में तो मैं काफ़ी डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई वर्जन जो है हायर वर्जन मैंने बनाया है तो 12 में कन्वर्ट करता हूँ तो ख़राब हो जाती है फाइलें, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ 17 में ही। तो उसको 17 में ही आप यूज करोगे तो हो पाएगा, नहीं तो लोअर वर्जन में वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, कहीं अगर आपको दिक्कत आती है तो ऑनलाइन उस फाइल को कन्वर्ट कर लेना, और जितना उसका रिसोर्सेस यूज हो सकता है आपको यूज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।